दोस्तों अगर आपका भी बजट है 14 से 15 हज़ार रुपये का और ढूंढ रहे हैं ऐसा स्मार्टफोन जिसमें आपको कैमरा अच्छा दिया गया हो, प्रोसेसर भी अच्छा दिया गया हो, बैटरी भी अच्छी हो और दिखने को भी अच्छा हो और कंपनी तो अच्छी हुई हो, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको ऐसे स्मार्टफोन बताने वाला हूँ जो कि 15 हज़ार रुपये की प्राइस में आते हैं और आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे पता है आप मार्केट में बहुत सारे फ़ोन देख करके कन्फ्यूज़न में है कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन है जो 15 हज़ार रुपये का अच्छा है, तभी आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर ही लिया है तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना और मैं आपको गारंटी देता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मेरा कौन सा फेवरेट स्मार्टफोन है जो कि 15 हज़ार रुपये के प्राइस में आता है, सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। चलिए फ्रेंड्स, हम लिस्ट चालू करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि अगर मैंने आपको पहले ही नंबर का स्मार्टफोन बता दिया तो वीडियो आप नहीं देखेंगे, इसीलिए हम चलेंगे नीचे से ऊपर की तरफ। तो जो मेरी लिस्ट में पांचवें नंबर पर स्मार्टफोन आता है वो आता है ऑनर का 20i। ये मेरी लिस्ट में पांचवें नंबर पर क्यों है मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें आपको 6.2 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ इसमें आपको बैक में 3 कैमरे दिए गए हैं, 24 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का। प्रोसेसर की बात करूँ इसमें आपको तो क्रीन का 710 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। बैटरी 3600 mAh की दी गई है, लेकिन रैम और स्टोरेज इसमें ज़्यादा दिया गया है, 4GB 128GB, जिसकी प्राइस है 14,999 रुपये। जी हाँ फ्रेंड्स, वैसे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, 128GB स्टोरेज के साथ 15,000 रुपये की प्राइस में कोई भी स्मार्टफोन नहीं आता है। तो अगर आप भी देख रहे थे कोई ऐसा स्मार्टफोन जिसमें स्टोरेज अच्छा हो तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बना है, आप जरूर से इसको कंसिडर कर सकते हैं। और दोस्तों, जो मैं आपको चौथे नंबर का स्मार्टफोन बताने वाला हूँ, मुझे पता है डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ MI A3 के बारे में, हाल ही में लॉन्च किया गया। इसमें आपको जो डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 6.08 इंच की सुपर एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 4GB 64GB के साथ आएगा। इसमें आपको कैमरे काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं, बैक में आपको ट्रिपल कैमरा दिया गया, फ्रंट में आपको एक कैमरा देखने को मिल जाएगा। बैक में 48 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। फ्रंट की बात करूँ तो इसमें आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। सबसे अच्छी बात यह है स्टॉक एंड्रॉयड के साथ आता है। ओवरऑल ये गुड फ़ोन है। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो 12,999 रुपये में आपको ये देखने को मिल जाता है। 13,000 रुपये में आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है, जिसमें आपको सुपर एमुलेट डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, बहुत सारी चीज़ें इस स्मार्टफोन में दी गई हैं। तो आप चाहें तो आप MI A3 को भी परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको जितने भी स्मार्टफोन बता रहा हूँ सभी के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाकर के वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों, जो मैं आपको स्मार्टफोन बताने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का स्मार्टफोन है। मैं बात कर रहा हूँ Redmi Note 7 Pro के बारे में। ये अभी भी अच्छा स्मार्टफोन है क्योंकि इसमें आपको बैक में और फ्रंट में दोनों ही साइड गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। जी फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहां पे इसकी डिस्प्ले के बारे में तो इसमें आपको 6.3 इंच की FHD प्लस आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन वाला 665 प्रोसेसर देखने को मिलता है। कैमरे 48 प्लस 5 मेगापिक्सल का डुअल बैक में देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। 4000 mAh की बैटरी भी आपको देखने को मिल जाती है। टाइप सी पोर्ट वगैरह वगैरह वो सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाती है। प्राइस 4GB 64GB वाले की जो है वो 13,999 रुपये है, मतलब 14,000 रुपये में अब आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। पहले आया था वो 16,000 रुपये का था, लेकिन अब आपको मात्र ये 14,000 रुपये का मिल रहा है। क्या फ्रेंड्स, तो अगर आप चाहें तो इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। वैसे दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बता दूँ, टॉप 5 स्मार्टफोन जो कि अंडर 10,000 के रुपीज़ में आते हैं, हमने उस पर एक वीडियो बनाई, काफ़ी ज़्यादा लोगों का प्यार मिला है उस वीडियो पर। आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ। जिन लोगों को ज़रूरत है 10,000 रुपये तक का स्मार्टफोन खरीदने की, वो जाकर के एक बार उस वीडियो को देख लें, उनका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। वैसे अगर आपको ज़रूरत नहीं है कोई बात नहीं, लोगों के साथ शेयर कीजिए उस वीडियो को जिसको ज़रूरत हो 10,000 रुपये तक के स्मार्टफोन। और दोस्तों, बढ़ेंगे हम अपने स्मार्टफोन की तरफ। जो मेरी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है वो आता है वीवो का G1 Pro, या आप उसे वीवो G1 Pro कहिए या वीवो Z1 Pro कहिए।
इसमें आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है वो 6.53 इंच की लार्ज डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। बैक में तीन कैमरे दिए गए हैं, 16 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का। सेल्फी 32 मेगापिक्सल की देखने को मिल जाती है, गुड सेल्फी है इसकी, काफ़ी ज़्यादा अच्छे फोटो निकाल के देती है आपको। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसके प्रोसेसर की, तो इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन वाला 712 चिपसेट देखने को मिलता है। बैटरी इसमें लार्ज देखने को मिल जाती है, 5000 mAh की इसमें आपको बैटरी भी देखने को मिल जाती है। टाइप सी पोर्ट, 3.5 mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिलता है। प्राइस की बात करूँ तो 14,999 रुपये में इसका बेस वेरियंट 4G वाला 64G वाला मिलता है। लेकिन अगर आप इसको ऑफर के टाइम पर खरीदते हैं तो 1,000 या 2,000 रुपये का आपको डिस्काउंट भी देखने को मिल जाता है। ओवरऑल अगर आपको ये फ़ोन 13,000 या 14,000 रुपये में मिल जाता है तो मैं आपको कहूँगा ये आपके लिए अच्छा स्मार्टफोन है। अगर आप चाहें तो वीवो का G1 Pro भी कंसिडर कर सकते हैं। और दोस्तों अब वक्त हो गया है नंबर 1 स्मार्टफोन को रिवील करने का। जी हाँ फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको लगता है इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दो ताकि मेरी सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब बात करते हैं हम लोग नंबर 1 के स्मार्टफोन की तरफ। जी हाँ फ्रेंड्स, जो मेरी लिस्ट में आता है वो आता है Realme 5 Pro। ये मेरी लिस्ट में क्यों नंबर 1 पे, मैं आपको ये बता दूं। सबसे पहले जो मैं आपको इसकी डिस्प्ले बताऊं, 6.3 इंच की आपको इसमें डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, बात करूं मैं आप इसकी बैटरी के बारे में तो 4035 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। बुक चार्जिंग के साथ आएगा, टाइप सी पोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें भी आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन वाला 712 चिपसेट देखने को आपको मिल जाता है। कैमरा इसमें आपको बैक में 4 देखने को मिल जाते हैं, 48 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का। सेल्फी इसमें आपको 16 मेगापिक्सल की देखने को मिल जाती है। प्राइस मैं आपको बता दूं, 4GB 64GB वाला इसका जो बेस वेरिएंट है उसकी 13,999 रुपये प्राइस है। मैंने आपको बता दिया ऑफर के टाइम पर खरीदेंगे तो आपको ये स्मार्टफोन मात्र 13,000 रुपये में ही मिल जाएगा। 12,000 या 13,000 रुपये का स्मार्टफोन आपको ये मिल जाता है तो वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है जो कि क्वाड कैमरे के साथ आ रहा है। क्योंकि मैंने आपको जितने भी फ़ोन बताए हैं उसमें से किसी में भी 4 कैमरे नहीं दिए गए थे, लेकिन इस स्मार्टफोन में दिए गए, इसीलिए मैंने ये अपनी लिस्ट में नंबर 1 पे रखा था। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, साथ ही साथ आपका डाउट भी क्लियर हुआ होगा कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन है जो सबसे ज़्यादा अच्छा है 15,000 रुपये की प्राइस तक का। वैसे दोस्तों जाते जाते मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उन लोगों की मदद हो सके जो 15,000 रुपये तक का बेस्ट स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ और मैं मिलूँगा आपको नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक लेवा गुड टाइम।